जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चौबे स्टडी जोन में। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एमपीपीएससी प्री का जो 19 जून 2022 में जो पेपर पूछा गया था जो आज के डेट में, तो उसका फर्स्ट पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर की दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों पेपर की तरफ चलते हैं। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसेल से था? ऑप्शन ए अहलूवालिया, ऑप्शन बी डलेवालिया, ऑप्शन सी कन्हैया और ऑप्शन डी शुकरचकिया। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, शुकरचकिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग किससे दिया गया था? ऑप्शन ए वीपी मेमन, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी कृष्णा साई और ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया था। अगला प्रश्न आया था, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी पवनार, ऑप्शन सी सेवाग्राम और ऑप्शन डी रामानंदिया। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साबरमती। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए जैतपुर, ऑप्शन बी संभलपुर, ऑप्शन सी झांसी और ऑप्शन डी सतारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों को सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी नेता प्रतिपक्ष और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ही सही होगा, नेता प्रतिपक्ष। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको कौन करता है, तो ये करते हैं राज्यपाल करते हैं दोस्तों, राज्यपाल करते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन ए 4 सदस्य, ऑप्शन बी 5 सदस्य, ऑप्शन सी 6 सदस्य, ऑप्शन डी 7 सदस्य। तो ऐसे तो वर्तमान में दोस्तों 4 ही सदस्य हैं, पर अधिकतम पूछा हुआ है तो आपका ये 7 सदस्य हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत संयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान से, ऑप्शन बी भारत की प्रभुता एकता अखंडता से, ऑप्शन सी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से, ऑप्शन डी प्राकृतिक पर्यावरण से। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, संविधान से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) किए परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्पित किया गया? ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन बी द्वितीय संविधान संशोधन 1952, ऑप्शन सी तृतीय संविधान संशोधन 1954 और ऑप्शन डी चतुर्थ संविधान संशोधन 1954। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, तृतीय संविधान संशोधन 1954। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना करने
की शक्ति निहित होती है, ऑप्शन ए वित्त मंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाती हैं, राष्ट्रपति इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जहाँ तक दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों एक बार आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा दोस्तों, पर ऐसे में इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, मूल क्षेत्राधिकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में के अनुमानों के आधार पर माना गया है, ऑप्शन ए 7.7%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी 9.5% और ऑप्शन डी 11.5%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 2000 में। तो ये कब की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, 1995 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोटक किस पेटी में सर्वाधिक है, ऑप्शन ए मध्य महाद्वीपीय, ऑप्शन बी परिप्रशांत महासागरीय, ऑप्शन सी मध्य अटलांटिक और ऑप्शन डी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लौह अयस्क। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नहर में राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, ऑप्शन ए कान्हर नहर, ऑप्शन बी रामगंगा नहर, ऑप्शन सी शारदा सहायक नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, ऑप्शन ए नील नदी की चिकनी निचली घाटी, ऑप्शन बी चीन के पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी जावा द्वीप और ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरिकरण का स्तर क्या था, ऑप्शन ए 33.15%, ऑप्शन बी 32.15%, ऑप्शन सी 31.15% और ऑप्शन डी 31.15%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 31.15%। थोड़ा दोस्तों यहाँ लिखने में मिस्टेक हुई हल्का सा। चलिए दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। चलिए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1980। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, 1984 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संतुली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है, ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी वृषण। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही जगह, वृषण में पाई जाती है। चलिए अगला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है, ऑप्शन ए आत्र में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अमाशय और ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो ये किस में होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमाशय में होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी रोम। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी ट्वेल्व, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित, ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चलिए दोस्तों यही मेरा टॉप 25 क्वेश्चन अभी तक एनालिसिस किए हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, और वीडियो में कोई त्रुटि पाई गई जाती है तो दोस्तों कमेंट में आप लोग इसको कमेंट करिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद।